आम आदमी पार्टी इस समय निकाय चुनाव को लेकर सभी जिले के हम 12 सीटों की बात करें, 10 नगर पंचायत और 2 नगर पालिकाओं पर विशेष फोकस करते हुए आम आदमी पार्टी इन दिनों वार्डों में, नगर पंचायतों में व नगर पालिकाओं में एक अहम भूमिका में है। आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग ताल ठोक रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी भी एक अलग पहचान बनाते हुए लोगों को अपने पार्टी से जोड़ रही है। आइए हम बात करते हैं प्रभारी अजय राय मुन्ना जो हमारे बीच में हैं। आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी कर रही है, किस तरह के प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी, उस सिलसिले में आइए हम बात करते हैं। जी मुन्ना जी नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत आभार व्यक्त, प्रणाम, नमस्कार। जी अजय राय मुन्ना जी, एक वक्त था, एक समय था, आपने कहा था कि आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हर वार्डों में अपनी तैयारी चल रही है, वार्ड के सभासदों को लड़ाना या चेयरमैन पद के प्रत्याशियों को लड़ना, उस सिलसिले में हम उस छोर तक उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या तैयारी पूरी हो चुकी है या अधूरी है अभी? देखिए तैयारी हम लोगों की पूरी हो चुकी है, हर वार्ड से और हर, चाहे वो बलिया हो या बैरिया हो या सिकंदरपुर हो या तमाम जो भी नगर महानिकाय चुनाव है, नगर है, निगम है, इसमें हम लोगों की तैयारी पूरे दमखम से चल रही है। अभी प्रत्याशी घोषित इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं कि अभी जो है कि समीकरण जो चल रहा है कि क्या समीकरण होगा, लेकिन हमने एक एक वार्ड से अपना चार चार लोगों को मैंने भी चिन्हित कर रखा है कि समय आने पर जो भी वो रहेगा, जिस बिरादर का या जो भी परसीमन आता है, उस हिसाब से हम अपने कैंडिडेट को पूरे दमखम से उतारेंगे। अजय राय मुन्ना जी, जैसे आम आदमी पार्टी की सोच थी, जैसे आप लोग बोलते हैं कि हम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो आम आदमी पार्टी किस तरह के प्रत्याशियों पर ज़्यादा भरोसा जताएगी? देखिए हम लोगों का कहनाम है कि हमको नेता और बहुत बड़ा आदमी नहीं चाहिए, जो हमारे लिए वही चाहिए, आम आदमी पार्टी के वही लोग खड़े हो सकते हैं जो आम जनता की सेवा कर सके, नाली मोड़ी से लेके उनके दुख सुख में, और उनका मदद कर सके। दावेदारों से कुछ अलग होगा या फिर उसी में से किसी को एक पकड़ेंगे? ऐसा है कि वो तो हमारा अलग होगा, लेकिन लोगों का एक अहम भ्रम बना हुआ है कि फलाना पार्टी से मैं टिकट ले लूँ, चिलाना पार्टी से ले लूँ और उनके हवा पे मैं जीत जाऊँ। लेकिन ये जो नगर निकाय चुनाव जो होता है, ये जनता का चुनाव होता है, पर्सनल अपने व्यवहार का चुनाव होता है, तो उसी में से या अन्य हमारी और दावेदार जो भी हमने अपना लिस्ट बनाया है, अगर ये लोग उसमें से हम देखेंगे कि अगर ये लोग अच्छे हैं या हमारे पास आते हैं, अपना जो है कि हर चीज़ दमखम दिखलाते हैं कि नहीं मैं लड़ना चाहता हूं, तो उनको भी टिकट दिया जा सकता है। बलिया नगर पालिका की बात करें तो यहाँ आम आदमी क्या पोजीशन? देखिए आम आदमी पार्टी का पोजीशन तो पूरे देश में आप देख रहे हैं, फिलहाल हमारी 2 जगह सरकारें चल रही हैं और 3री जगह हमारी गुजरात में सरकार भी बनने जा रही है। और जनता के मन में हम जब इलेक्शन लड़े थे तो हम अपनी हार नहीं माने, न पार्टी ने हार मानी, इसलिए कि जो प्यार और जो सम्मान जनता ने दिया हमारी जीत हो गई उसी समय। तो आज जनता का एकदम जो है कि बदलाव चाहती है, जनता के अंदर है कि बदलाव चाहिए और बदलाव के रूप में वो आम आदमी पार्टी को ही देखना चाहती है। तो आम आदमी पार्टी, अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप विधानसभा चुनाव में भी सफलता की तरफ नहीं रहे, फिर निकाय चुनाव की बात करें, फिर लोकसभा की बात करेंगे, तो विधानसभा चुनाव में जो प्रदर्शन नहीं हो पाया तो क्या उस नगर पालिका, नगर पंचायतों में किस तरह का फिट आएगा? देखिए जब मेरी दिल्ली की लड़ाई चल रही थी तो लोग यही कहते थे कि आम आदमी पार्टी कैसे आएगी, क्या आएगी। जब दिल्ली में हो गया तो लोग कहने लगे कि ये तो दिल्ली जो है कि छोटा सा वो है, राज्य है, और इसके बाद जो है कि आम आदमी पार्टी यहाँ जो है कि क्या कर पाएगी और दूसरा जगह कभी कुछ नहीं कर पाएगी। आपने देखा कि हमारा परिणाम जो है कि पंजाब में आया, पंजाब हम लोग जहाँ जाते हैं पूरा सुपड़ा हिसाब कर देते हैं, इसलिए कि एकाध सीट की हम लोगों का वो नहीं रहता है, आएंगे हम लोग तो पूरे जो है कि उत्तर प्रदेश में पूरे झाड़ू लगा करके साफ कर देंगे, एक भी नहीं बचेगा।
आप वो स्थिति जो चल रही है गुजरात की, गुजरात में देख लीजिए। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोग जो है कि केवल लंबा लंबा फेंकने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग हवा में बात करने वाले लोग नहीं हैं। मेरे केजरीवाल साहब जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। ये माना जाए कि आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करेगी और बेहतर प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए फिर हम आपसे बात करते हैं, अभी तक जो खबरें थीं अजय राय मुन्ना जी के साथ, उन्होंने कहा कि आगामी निकाय चुनाव जो होगा उसमें आम आदमी पार्टी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करेगी और उनका दावा है कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से, देखते रहें बलिया आजकल। मेरे साथ कैमरामैन राजू, मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।